परिषदीय विद्यालयों में PFMS पोर्टल पर सत्र 2024-25 की कंपोजिट ग्रांट धनराशि आने से पहले इस बार और भी कई नए नए कार्यक्रमों के लिए धनराशि विभाग द्वारा प्रेषित की जा रही है, जैसे कि इको क्लब, PTM, लर्निंग कॉर्नर आदि। इको क्लब की धनराशि पहली बार विद्यालयों में आई है, जिससे संबंधित आपको क्या क्या सामान लेना है और बिल कैसे बनाना है वह भी जानेंगे। और साथ ही साथ आज की वीडियो में हम विद्यालय को अभी तक प्राप्त और आगे प्राप्त होने वाली सभी लिमिट कौन कौन सी मद में कितनी और सभी धनराशि कंपोनेंट कोड के साथ जानेंगे, जिससे आप आसानी से एक्सपेंडिचर बना सकें। चलिए अब सबसे पहली लिमिट पेरेंट्स टीचर मीटिंग PTM, जो कि केवल सितंबर माह की आयोजित करने के लिए प्रति प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस बार सिर्फ 250 रुपये की दर से आई है, जिसमें स्कीम कंपोनेंट कोड F.01.09.01 कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एलिमेंट्री है। आप इस कंपोनेंट कोड को एक्सपेंडिचर में सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उच्च प्राथमिक और कंपोजिट स्कूल में आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए इस बार 500 रुपये प्रति विद्यालय आए हैं, जिसका स्कीम कंपोनेंट कोड F.01.26 रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अप टू हाईएस्ट क्लास 8 आप सेलेक्ट करेंगे। साथियों, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और PFMS से संबंधित सभी समस्याओं के समाधान के लिए आप PFMS हेल्प व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। अब अगली धनराशि हाउस होल्ड सर्वे हेतु 326 रुपये प्रत्येक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट स्कूल में आई है, जिसका स्कीम कंपोनेंट कोड F.01.08.01 स्पेशल ट्रेनिंग फॉर OOSC नॉन रेजिडेंशियल फ्रेश है, जिसे आप एक्सपेंडिचर में सेलेक्ट कर लेंगे। साथियों, आप चाहें तो बहुत सारे अलग अलग PPA बनाने की जगह आप बल्क में एक साथ कई वेंडर्स को एक साथ पेमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आप बल्क एक्सपेंडिचर इस वीडियो की हेल्प से बना सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगली धनराशि इको क्लब हेतु 1500 रुपये प्रति विद्यालय समस्त प्राइमरी स्कूलों में और 2000 रुपये प्रति विद्यालय समस्त जूनियर और कंपोजिट स्कूल में लिमिट आई है। इको क्लब में पर्यावरण के तहत जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में इको क्लब का गठन किया जाना है। इसके तहत पेड़ लगाना, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण तथा बागवानी के प्रति बच्चों को जोड़ा जाएगा। इसमें आपको इको क्लब बाल कैबिनेट का गठन दिए गए प्रारूप अनुसार इस प्रकार हरे रंग के प्रपत्र पर करना है और उसको सभी छात्र, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापकों द्वारा हस्ताक्षर कराकर डिस्प्ले या फ्रेम में विद्यालय में लगाना है। इसके साथ साथ इको क्लब में आपको निम्नलिखित सामान जारी लिमिट से खरीदने हैं, जैसे सूखा और गीला कूड़ा रखने के लिए कूड़ेदान, पौधे, गमले, एक्टिविटी कराने के लिए चार्ट, मार्कर आदि। इन सभी सामानों का ही बिल आपको इको क्लब की प्रेषित धनराशि में लगाना है। इको क्लब के एक्सपेंडिचर में आप PFMS पर F.01.12.01 यूथ एंड इको क्लब एलिमेंट्री स्कीम कंपोनेंट कोड सेलेक्ट करेंगे। साथियों, अगर आपको PFMS पोर्टल पर लॉगिन करने में कोई समस्या आ रही है तो आप यह वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ चयनित को लोकेटेड आंगनवाड़ी स्कूलों में लगभग 9900 में 4 लर्निंग कॉर्नर बनाने हेतु 8110 रुपये प्रति विद्यालय लर्निंग कॉर्नर के लिए आए हैं। और साथ ही साथ 60137 को लोकेटेड आंगनवाड़ी स्कूलों में, जो कि ज़्यादातर स्कूल हैं, उनमें आंगनवाड़ी बच्चों के स्टेशनरी क्रय करने के लिए पहले चरण में 3000 रुपये प्रति विद्यालय आए हैं। इसमें 1000 रुपये पर मंथ 10 महीनों के लिए आएंगे। बाकी दिशा निर्देश आपको आदेश में मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ इन्हीं को लोकेटेड आंगनवाड़ी विद्यालयों में माता उन्मुखीकरण के लिए 500 रुपये प्रति माह की दर से पहले चरण की किस्त जून से अगस्त माह के 500 रुपये की दर से 1500 रुपये प्रति विद्यालय आए हैं।
साथियों, इस कार्यक्रम के लिए 9 महीने के पैसे आएंगे, जिसमें बाकी बचे 6 महीनों के पैसे आगे की अगली 2 किस्तों में आएंगे। इन सभी तीनों को लोकेटेड आंगनवाड़ी PFMS लिमिट के लिए आप F.01.22.02 प्री प्राइमरी रिकरिंग कंपोनेंट कोड PFMS एक्सपेंडिचर बनाने में सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स ग्रांट की धनराशि का ऑर्डर जारी हो चुका है, जिसकी लिमिट भी जल्द SMC खातों में प्रेषित हो जाएगी। प्राइमरी स्कूलों के लिए 5,000 रुपये प्रति विद्यालय और जूनियर और कंपोजिट विद्यालय के लिए 10,000 रुपये प्रति विद्यालय लिमिट आएगी, जिसका स्कीम कंपोनेंट कोड आप F.01.29 स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन एलिमेंट्री सेलेक्ट करेंगे। साथियों, इसके अलावा PFMS पोर्टल से संबंधित सभी हेल्पफुल वीडियोस आपको चैनल पर PFMS पोर्टल प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। जय हिंद।